जो हमारे हम मैं आज खाजा जी के अजमेर के दरगाह में आया हूँ और ये दरगाह के बारे में सभी भारतवर्ष के लोगों को बहुत बड़ा अभिमान है। ये सेक्युलर दरगाह है, या मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, वो यहाँ दुआ मांगने के लिए आता है। और मतलब कौमी एकता का जो दर्शन है, ये दर्शन यहाँ दिखाई देता है। बहुत पुराना का दरगाह है और पूरे भारत के तो लोग आते हैं, लेकिन दुनिया के भी लोग यहाँ आते हैं। इसीलिए आज मैं दरगाह में आया हूँ। मैं मतलब यही अपेक्षा करने के लिए आया हूँ कि भारत देश मजबूत बने, हिंदू मुसलमानों में मतलब प्यार पैदा हो और हम सब लोग भारत को मजबूत करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। और ये दरगाह का आशीर्वाद पूरे देश के तमाम लोगों को है। और आज मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, उस पार्टी की ओर से मैं इस मंत्रिमंडल में हूँ। और आज मैं यहाँ दुआ मांगने के लिए आया हूँ कि भारत विशाल रहे और हिंदू मुसलमान में प्यार बढ़ता रहे और हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ते रहे, देश का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के माध्यम से पूरे भारत देश को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। और उसके लिए ये अजमेर के खाजा के दरगाह का पूरे हम सब लोगों का आशीर्वाद है। और इसलिए मैं आशीर्वाद मांगने के लिए, दुआ मांगने के लिए आज मैं यहाँ हूँ।